सारे डॉक्टर इस बीमारी दे अग्गे बेबस हो गए और अज तक इस दवाई बनाने च अज तक प्रयास जरूर कर रहे हैं पर अज तक असी फेल हैं। हाले तक दवाई बनी नहीं पूरी दुनिया की, और ये कोई ये मैटर नहीं है कि वो प्रयास नहीं कर रहे, प्रयास सारे कर रहे हैं। पर यह मैं दसना चाहना कि जिते सारी दुनिया के सारे तंत्र यंत्र सरकारां सब कुछ हिल गए बेबस हो गए इस ये अगे, तो उस समय तो जो एको ही सहारा है परमात्मा का। मैं समझदा कि जो इन्हें इस समय के उत्ते गाना कढ के जिदा सानू सहारा है परमात्मा। जलंधर के एक वकील अशोक सरीन हक्की वालों एक निजी टीवी चैनल से बहस दौरान डॉक्टरों बारे की टिप्पणी तो डॉक्टरी स्टाफ खासा खफा है और कानून के जानकार इस वकील के खिलाफ हुण कानूनी शिकंजा कसण की मंग उठन लगी है। दीप हॉस्पिटल निहाल सिंह वाला दे मालक अते सीनियर डॉक्टर हर गुरप्रताप सिंह MBBS MSC सर्जरी वालों उक्त वकील अशोक सरीन हक्की दे खिलाफ अंडर सैक्शन 499 IPC अते डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2004 दे तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस बारे उन्होंने थाना निहाल सिंह वाला विच लिखती शिकायत दी है, जिस विच उन्होंने लिखे है कि बीते कल जलंधर दे एक वकील अशोक सरीन हक्की ने एक टीवी इंटरव्यू दौरान बोलदिया कहा कि पूरे विश्व के डॉक्टर अते विज्ञानी कोरोना महामारी अगे फेल हो गए हैं, हुण सिर्फ भगवान का ही सहारा है, डॉक्टर तो खत्म ही हो गए ने। जबकि इस महामारी दौरान तमाम डॉक्टर 24 घंटे COVID-19 अते दूजे मरीजों की देखभाल लई तनदेही नाल सेवा निभा रहे हैं। सेवा निभाते हुए कई सेहत कर्मी खुद भी मौत के मुंह में जा पे हैं। इस व्यक्ति की मंदी शब्दावली नाल एक डॉक्टर होने के नाते मेरी शान नूं धक्का लगा है। इस व्यक्ति ने डॉक्टरी पेशे नाल संबंधित मेरे वर्गे तमाम डॉक्टरों का अक्स खराब करने की कोशिश की है। इस व्यक्ति ने मेडिकल साइंस नूं नकारन दी मंशा दे तहत सोच समझ के डॉक्टरां ते विज्ञानियां नूं निशाना बनाया है। हालांकि मेडिकल साइंस की बदौलत ही डॉक्टरां ने इलाज करके लखां कोरोना मरीजों नूं सेहतयाब बनाया है। उन्होंने कहा कि अजिहा व्यक्ति महामारी के दौरान अजिहियां अफवाहां फैला के डॉक्टर वर्ग के विच नैगेटिव माहौल बना रहा है। महामारी दौरान अपनी जान जोखिम विच पा के तनदेही नाल सेवा निभा रहे सेहत कर्मियों का मनोबल ना डिगे और अगे तो कोई भी डॉक्टर की हत्या करने की कोशिश ना करे, इसलिए वकील अशोक सरीन हक्की के खिलाफ सख्त तो सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है। उन्होंने सिख न्यूज एक्सप्रेस नाल खास तौर पर गलबात करदिया कहा कि मैं वकील अशोक सरीन हक्की वासी जलंधर के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार हाँ। उक्त व्यक्ति खिलाफ अंडर सैक्शन 499 IPC अते डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2004 तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके मिसाली सजा दी जाए। पिछले दिनी एक वकील साहब ने अशोक सरीन हक्की जी उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान संघर्ष कर रहे डॉक्टर भाईचारे नूं बड़े ही मंदे शब्द बोले ने, बड़े ही नांवाचक उन्हां दा बयान आए ने कि कोरोना महामारी दे विच तां डॉक्टर बिल्कुल फेल हो चुके ने, कोरोना महामारी दे विच तां डॉक्टर बिल्कुल खत्म ही हो चुके ने, ते इस तरह के घटिया शब्द वरत के इहो जिहा घटिया बयान दे के उन्होंने नांवाचक माहौल सिरज के पंजाब दे विच लोगों नूं डराउण दी ते अफवाहां फैलाउण दी कोशिश की है। असी इस चीज़ की डॉक्टर हरगुर प्रताप सिंह ते साडे होर दोस्त मित्र असी इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। इस खिलाफ अशोक सरीन वकील जी के खिलाफ असी पुलिस थाने दे विच कल शामी 5 बजे एक दरखास्त भी देके आए सी। अज मैं परसनली SHO साहब मूहरे पेश होके ये मंग करके आया कि अशोक सरीन हक्की के खिलाफ झूठियां अफवाहां फैलाउंदा ते एपीडेमिक एक्ट के तहत डॉक्टरों की मानहानि करन दा मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। देखो अगे पुलिस प्रशासन की कार्रवाई करता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिक्र खास है कि उक्त वकील अशोक सरीन हक्की वालों एक टीवी इंटरव्यू दौरान बोलदिया ये शब्द कहे गए सन, जिस तो बाद डॉक्टर भाईचारे वालों इस नूं लैके सख्त इतराज जाहर किए गए हैं और कार्रवाई की मांग की गई है। साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।